आज का टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या आती है। और इसमें बेसिकली सिर्फ दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों को हम दो डिफरेंट लेक्चर्स में बारी बारी बहुत डिटेल से देखेंगे। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जो फर्स्ट टाइप हम देखेंगे वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्टेंट एक नंबर आए जिसको हम स्केलर कहते हैं, नंबर एंड अ यूनिट, एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और ऐसी मल्टीप्लीकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको हम शो करते हैं एक डॉट से। आप दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक डॉट लगा देते हैं और यहां से इसका नाम आता है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अब फिजिकली ये क्या होती है? फिजिकली डॉट प्रोडक्ट आपको ये बताती है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के कितना पैरेलल हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट असल में क्या होती है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अदर। आपको पता है कि वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन टू अदर, वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या होती है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में काफी डिटेल में ये किया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का जो कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा वो मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी इटसेल्फ आपको जो नंबर देगा उसको हम कहते हैं एक स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सो असल में स्केलर प्रोडक्ट आपको ये बताती है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कितना पैरेलल हैं, या ये आपको देती है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू द अदर, एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन। ये सिर्फ आपको लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन देती है क्योंकि एक नंबर है। अब मैं आपको दो डिफरेंट एग्जाम्पल से ये एक्सप्लेन करूंगी कि स्केलर प्रोडक्ट की जरूरत कब होती है और रियल लाइफ में ये कहाँ अपीयर होती है, और उसके बाद हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, क्वांटिटेटिवली डिफाइन करेंगे। पहली एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि सपोज ये एक केनाल है, एक नहर है जिसमें पानी बह रहा है। पानी की डायरेक्शन आपको पता है क्या होगी, छोटी सी केनाल है, इसकी वही डायरेक्शन है जो इसकी इसकी बाउंड्री के पैरेलल पानी की डायरेक्शन है। ठीक है, और मेरे पास एक ट्यूब है जो दोनों साइड से ओपन एंडेड ट्यूब है, ये मैं यहाँ बना देती हूँ। ये मेरे पास एक ट्यूब है जिसको मुझे इस नहर में रखना है, चलें इसको रखते किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में, मैंने इस ट्यूब को इस नहर में रखा है। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस ट्यूब के इस एंड से कितना पानी बाहर आएगा। ठीक है, इसके अंदर पानी की डायरेक्शन क्या होगी वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो इस सरफेस के पैरेलल होगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस ट्यूब को जो हमने नहर के अंदर रखी है, इस एंड से कितना पानी जाके इस एंड से बाहर आएगा। ठीक है, यहां से अब आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं किस किस्म की वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रही हूं। पहली ऑब्जर्वेशन आपकी ये होनी चाहिए कि डेफिनेटली एक नंबर है, क्योंकि हमें डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है, दिस इज अ नंबर। जितना पानी इससे बाहर आता है, अगर मैं इस वेक्टर को यहां ड्रॉ करूं, जितना पानी इससे बाहर आएगा इस नहर के अंदर से वो एक नंबर है, हमें यहाँ डायरेक्शन की जरूरत महसूस नहीं हो रही। ठीक है, दूसरी चीज,
पानी ज्यादा कब आएगा? जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरा क्वेश्चन है कि ज्यादा पानी कब बाहर आएगा, सो उसका आंसर मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। क्योंकि आपको पता है जिस केस में मैंने अब ट्यूब को रखा हुआ है, उस केस में सारा पानी जो कैनाल में है वो इस एंड से जाके इस एंड से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड, आपको पता है कि ज्यादा पानी कब बाहर आएगा? जब यहां से ज्यादा पानी एंटर हो रहा हो, जो ऑब्वियस है, यानी कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट भी डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगी। सो ये डिपेंड कर रहा है ये नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स पे। इसी के पैरेलल एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं। ये है सन, जिसकी रेज हर डायरेक्शन से निकल रही है, ठीक है। और ये है मेरे पास एक सोलर पैनल, पैराबोलिक सोलर पैनल। ये एक पैराबोला है और इसका जो आपको पता है हमेशा नॉर्मल वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ परपेंडिकुलर हुआ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस पार्ट के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो है ये सरफेस के नॉर्मल वेक्टर्स हैं। यहाँ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये पैराबोला जो है ये सन रेज को एब्जॉर्ब करती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कब होगी, ठीक है। सोलर रेज है, ये सोलर पैनल है, मेरा क्वेश्चन है कि एनर्जी मैक्सिमम कब एब्जॉर्ब होगी। और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स में होने चाहिए? कि हम डायरेक्ट अब मैं फार्मूला लिख दूंगी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या क्या हमारे पास फैक्टर है? मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कब हो, किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? लेट्स से स्ट्रेंथ ऑफ रेज, स्ट्रेंथ ऑफ सन रेज, ठीक है। जितनी ज्यादा सन रेज होंगी उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और ये जो हमारे पास पैनल है, सोलर पैनल है, इसका साइज, जितना ज्यादा साइज होगा, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा ही हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर ये ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा सन रेज को ले लेगा। मल्टीप्लाई बाय एक तीसरा नंबर, वो क्या है? इसको हम कह लेते हैं ओवरलैप इन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब, ये जो नंबर है ये मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। ये जितना एक दूसरे से के पैरेलल होंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आता रहेगा, इसको जिसको मैंने ओवरलैप इन डायरेक्शन बोला है। अगर मैं इस पैराबोला को इस साइड पर ले जाऊं तो बहुत कम वेक्टर्स हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस वेक्टर के इस साइड पे जितने भी नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो सन रेज के परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और परपेंडिकुलर करती रहूं तो मेरे पास ये नंबर कम होता रहेगा। मैं अगर इस ट्यूब को इरेज कर दूं और इसकी जगह इसको ऐसे प्लेस करूं कि ये बिल्कुल पैरेलल है, तो आपको पता है कि वाटर फ्लो मैक्सिमम हो जाएगा। इन दो एग्जांपल्स की बात अब हम दोबारा इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ए डॉट बी को। मैंने आपको बताया कि कोई से दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स अगर हम लें तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सिर्फ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और कॉस थीटा। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आप, मैंने आपको कहा कि हमें वेक्टर, हमें स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर चाहिए होता है वो ये होता है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अदर। यानी अगर आप वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, विच मींस के बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए पर, तो बी का कौन सा कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में है,
वो आपको पता है बी कॉस थीटा। सो हमारे पास क्या है, ए वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, और वो क्या है बी कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने ये वही हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी और उनके दरमियान एंगल थीटा, अगर आपने ए का प्रोजेक्शन लेना है बी पर तो आपको क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ। ए पॉइंट ए, ए वेक्टर के एंड से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करें बी पर, और ये जो है ये कौन सा कंपोनेंट है ए का, ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा है। सो ए डॉट बी, अब हमने बी डॉट ए लिया है, बी डॉट ए का क्या मतलब है वेक्टर बी, ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वो क्या है ए कॉस थीटा। अब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इसका मतलब है ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसी तरह ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो मैं ए को पहले ले आती हूँ, बी को बाद में ले जाती हूँ और कॉस थीटा यहाँ पर। ये कॉस थीटा भी एक नंबर है, ए सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो भी एक नंबर है और बी भी, इसलिए ऑर्डर जो है इसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, ये जो है ऐसे हम अपनी स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन टू द फर्स्ट वेक्टर, जो कि हमारे पास कॉस थीटा से आता है क्योंकि हम पैरेलल कंपोनेंट ले रहे हैं, और रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है वो आपको क्या देती है, एक नंबर, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अदर, ये क्वांटिटी आपको बताती है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में कितना पैरेलल है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये एनर्जी जो है हमारी ये किसके इक्वल है, सन रेज, स्ट्रेंथ ऑफ सन रेज, जिसको हमने पहले यानी कि जिसको हमने पिछली जब मैंने डिफाइन किया उस टाइम ए से शो किया, साइज ऑफ पैनल जिसको मैंने बी से शो किया, और ओवरलैपिंग डायरेक्शन कॉस थीटा, क्योंकि हमें कौन सा ओवरलैप चाहिए जो जिससे ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। सो इसको मैं लिख देती हूँ एस पी कॉस थीटा। इंटुइटिवली इसको एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है लेट्स से आर है, ये असल में क्या है कि वेक्टर ये, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट में सिर्फ वो नंबर चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल हैं दोनों कंपोनेंट्स के, तो असल में ये क्या है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये ए एक्स बी एक्स है प्लस ए वाई बी वाई, अगर ये वेक्टर बी है, यानी कि ये एक्स कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वाई कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वो दोनों ऐड हो जाते हैं। इसको ये रिजल्टेंट न्यूमेरिकली कैसे आती है इसको हम बाद में देखेंगे जब हम वेक्टर्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में अभी मैंने आपको ये सिर्फ इंट्यूशन दी है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की, स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कुछ बातें जो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है एक नंबर होती है, एक नंबर प्रोडक्ट एक नंबर होता है, और हमने मैंने पीछे भी आपको कहा कि तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, 4 × 3 × 2 सेम होता है ऐसे 2 × 3 × 4। ठीक है, जब ये एक नंबर है तो इसका मतलब है ऑर्डर डज नॉट मैटर और ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के, ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन स्केलर प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, जिसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के। ठीक
ठीक हो गया। अब दो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन, स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी या जीरो कब होगी। तो आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका कोई सा भी पार्ट एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर होने का यही मतलब है, अगर मैं इस ट्यूब को ऐसे प्लेस कर दूं बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो यहां वाटर फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब है व्हेन थीटा इज 90, जब थीटा 90 और वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होती है। और ये मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा इक्वल जीरो है, यानी कॉस जीरो इज वन। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा इज जीरो एंड कॉस जीरो इज वन। और जीरो कब होती है, जब थीटा इज 90 एंड कॉस 90 इज जीरो। ठीक है, अब जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तब क्या होता है, हम फाइंड कर लेते हैं, ये तो आसान है। ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस 180 विच इज माइनस वन, सो माइनस ए बी। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है, ये ए बी से रिवर्स हो जाता है ये नंबर। ठीक हो गया, इसको ये उस केस में है जब ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, ए और बी। अब आपको पता है कुछ फेमस हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, थोड़ा सा इनकी बात करते हैं। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए, ये आई, ये जे, ये के, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब हुआ कि आई डॉट जे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, स्केलर प्रोडक्ट जीरो है। सिमिलरली जे डॉट के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, स्केलर प्रोडक्ट जीरो, और के डॉट आई ऑल्सो जीरो होगी। ठीक है, और ये मैं 90 का एंगल भी दिखा देती हूँ, इधर भी है और इधर आई के साथ भी, क्योंकि आई एक्चुअली यहाँ वाइट बोर्ड से बाहर को आ रहा है। लेकिन जब आई डॉट आई लेते हैं हम, तो वो क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, थीटा इज जीरो, सो और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता है, वन। सो आई डॉट आई इज वन, इसी तरह जे डॉट जे इज ऑल्सो वन और के डॉट के इज ऑल्सो वन। ठीक है, यानी कि वही चीज के पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है स्केलर प्रोडक्ट, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम होती है, मिनिमम यानी कि जीरो होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी भी वेक्टर की सेल्फ प्रोडक्ट लेना चाहते हो, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मुझे लेना है ए डॉट ए, तो वो क्या होगी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इंटू कॉस जीरो, क्योंकि ए और ए के दरमियान जीरो का एंगल है। इसका मतलब है ये हो जाता है ए स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, अब मैं आपको एक वो चीज बताती हूँ जो मैंने पहले आपको थोड़ा सा जिसका हिंट दिया था, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको पता है कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में भी इस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, क्योंकि ए को अगर मैं एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वो क्या है, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के है, और अगर मैं बी को एक्सप्रेस करूं बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जी के हैट। ठीक है, और अब मैं लूं ए डॉट बी, जिसका मतलब है कि इन तीनों को मैं
सिंपल तरीके से ए डॉट बी ले ली, सिंपल तरीके से इन दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करी। उसका मतलब है कि इसका जो हर कंपोनेंट है वो इसके हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले आप ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई को इस पूरे के साथ, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, ठीक है, फिर आप ए वाई जे को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के और प्लस ए जी के हैट को आप मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के है, ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट क्या आती है। अब यहाँ मैं एक स्टेप बीच में मिस करूँगी और आपको मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आप ए एक्स आई को बी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स साथ आई डॉट आई आ जाएगा, या आप डॉट ले रहे हैं आई डॉट आई, हमने पहले ही पिछले यहाँ पर देखिए डिस्कस किया था कि आई डॉट आई हमेशा वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, के डॉट के भी वन होता है, और आई डॉट जे ज़ीरो है, जे डॉट के ज़ीरो है, के डॉट आई भी ज़ीरो है। इसका मतलब है कि जब पहले कंपोनेंट को मैं बी के पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स साथ आई डॉट आई, जिसकी जगह मैं वन लिखूँ या ना मेरी मर्जी, ठीक है, सो मैंने एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड पे क्या, ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, और आई डॉट जे क्या होता है, ज़ीरो होता है, सो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह ए एक्स बी जेड और आई डॉट के, ये क्या होगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, जे डॉट आई फिर ज़ीरो हो गया, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, जे डॉट जे वन होता है, सो मैं यहाँ पर लिख दूँ ए वाई बी वाई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ए वाई बी जेड जे डॉट के ज़ीरो हो गया, प्लस थर्ड पे आते हैं ए जेड बी एक्स के डॉट आई ज़ीरो होता है, ए जेड बी वाई के डॉट जे ज़ीरो होता है, ए जेड बी जेड के डॉट के जो के वन होता है, यानी कि आखिर में हमारे पास जो नाइन टर्म्स आनी चाहिए उनमें से सिक्स टर्म्स ज़ीरो हैं और बाकी थ्री टर्म्स ये मेरे पास बच गई। यानी ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट क्या करती है, दोनों वेक्टर्स के सिमिलर कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट को ऐड कर देती है। ऐसे ही है जो मैं पहले आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ देखें ये जो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई मैंने यहाँ लिखा था वो मैं आपको ये बता रही थी कि इस ट्यूब में से जितना पानी जाएगा वो इन दोनों वैक्टर्स का एक्स कंपोनेंट्स प्लस इन दोनों वैक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स रिजल्टेंट में चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने अब आपको मल्टीप्लाई करके अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया। इससे एक और बात भी पता चलती है, आपको पता है कि ए डॉट बी हमने पहले डिफाइन किया था एज ए बी कॉस थीटा, ठीक है, यानी ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपके पास कंपोनेंट्स गिवन हो और आपने एंगल फाइंड करना हो तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बी वाई ए वाई, चलिए लिख देते हैं क्योंकि ये नंबर है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बी ए जेड बी जेड अपॉन ए बी। यानी कि अगर आपके पास दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हों तो उनके दरमियान एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, डिवाइड करें बोथ ए और बी के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, विच फिर इस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये वही एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ए ये बी और ये है थीटा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो स्केलर प्रोडक्ट हैं कोई से दो वेक्टर्स का, तो इनमें एक हमारे पास आ जाता है वर्क डन विच इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब भी आप वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी ब्लॉक को पुल करना है इस स्प्रिंग से, ये मेरे पास जो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन,
ठीक है, सो रिजल्टेंट क्या है, और इन दोनों के दरमियान एंगल अगर थीटा बन रहा है तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, यानी वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कितना पैरेलल है, अगर फोर्स इसकी परपेंडिकुलर लग रही होगी तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पावर, पावर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी, एफ डॉट बी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है। फिर मेरे पास एग्जांपल है फ्लक्स की, फ्लक्स है ई डॉट ए, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू एरिया डॉटेड विद एरिया। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। फ्लक्स जो है ये इस टर्म्स में भी आप फ्लक्स के बारे में सोच सकते हैं कि इस चीज इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डेफिनेटली आप डिटेल में आगे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी ये तीन एग्जांपल्स के साथ स्केलर प्रोडक्ट की डिस्कशन ख़त्म होती है।